हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू सी एस पेन ड्राइव क्लासेस आज हम स्टार्ट करते हैं अपना आगे का पोर्शन जिस टॉपिक का नाम है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग क्या नाम है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग तो देखते हैं सस्टेनेबिलिटी के बारे में हमने देख लिया था कि सस्टेनेबिलिटी क्या था जो भी हमें इन्वायरमेंट के लिए अच्छा काम कर रहे हैं अपनी सोसाइटी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उसकी आप रिपोर्टिंग कैसे करोगे यानी कि ये जो सस्टेनेबिलिटी है इसकी मैं रिपोर्टिंग कैसे करूं और सस्टेनेबिलिटी के अंदर कितने फैक्टर कवर थे तीन इकोनॉमिक एनवायरमेंट एंड सोशल फैक्टर्स तो सस्टेनेबिलिटी की रिपोर्टिंग की अगर मैं बात करूं कह रहा है दिस इज अ पार्ट ऑफ न्यू अप्रोच जैसे आपके पास फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है यानी स्टेचुअटरी ऑडिट क्या करेगा आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर रिपोर्टिंग करेगा वैसे ही सेकेट्रियल ऑडिटिंग का कॉन्सेप्ट है वैसे ही कॉस्ट ऑडिट का मैंडेटरी कॉन्सेप्ट है कि कुछ कंपनीज के लिए कॉस्ट ऑडिट मैंडेटरी है सेकट्रियल ऑडिट मैंडेटरी है स्टेचुट्री ऑडिट मैंडेटरी है सेम टैक्स ऑडिट मैंडेटरी है लेकिन ये जो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट है जैसे टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट होती है सेकेट्रियल ऑडिट की रिपोर्ट होगी इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट होगी वैसे ही अगर मैं बात करूँ ये जो सस्टेनेबिलिटी की रिपोर्टिंग है अगर आपने कुछ देखा होगा हमने स्टार्टिंग में एक सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के अंदर

और बोल भी रहा है दिस इज अ न्यू अप्रोच ये एक न्यू अप्रोच है न्यू अप्रोच क्यों है क्योंकि आप लोग आपसे मांग रहे हैं किसके ऊपर रिपोर्टिंग आपने के लिए क्या किया आपने सोसाइटी के लिए क्या अच्छा काम किया या फिर आपने इकोनॉमी के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया उसके ऊपर भी हमें रिपोर्ट दो यानी सिर्फ अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर रिपोर्ट ना देके आप अपनी इकोनॉमिक सोशल एंड एनवायरमेंटल रिपोर्ट भी हमें प्रोवाइड करो दैट इज सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग फिर आगे देखते हैं कह रहा है इट इज अ पब्लिकली डिस्क्लोजिंग इट इज अ प्रोसेस ऑफ पब्लिकली डिस्क्लोजिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक एनवायरमेंटल एंड सोशल परफॉर्मेंस कह रहा है ये सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग एक प्रोसेस है किसके लिए पब्लिकली डिस्कलोज करने के लिए किस चीज को ऑर्गेनाइजेशन की इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की इनवायरमेंटल एंड

और इसके किसी फॉर्मेट बारे के बारे में किसी ने बताया नहीं है तो जैसे हमने कुछ चैलेंजेस भी देखे सस्टेनेबिलिटी की रिपोर्टिंग में क्या चैलेंजेस क्योंकि किसी ने कुछ बताया नहीं है गवर्नमेंट का एनकरेजमेंट कम है गवर्नमेंट एनकरेज नहीं कर रही एक्सपर्टाइज की कमी है तो ये मेरे पास सस्टेनेबिलिटी की रिपोर्टिंग में कुछ प्रॉब्लम भी थी लेकिन क्या है सिंपल है एक न्यू अप्रोच है प्रोसेस क्या है पब्लिकली डिस्क्लोज करना किसको कि ऑर्गेनाइजेशन ने इकोनॉमिक के लिए क्या किया एन्वायरमेंट के लिए क्या किया और सोशल परफॉर्मेंस उसकी कैसी है किसी कंपनी की दैट इज सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग और अगर मैं आगे बात करूं रिपोर्टिंग चाहते हो तो क्या मैं कह सकता हूं क्योंकि बहुत सारी कंपनी चाहती है मैनी कंपनी क्या देखा है उन लोगों ने उन्होंने दिखा है no सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आज के टाइम पे सेटिस्फाई नहीं करती किसको देखते हैं कह रहा नीड ऑफ स्टेक होल्डर्स यानी बहुत सारी कंपनी ने ये चीज नोटिस करी है उन लोगों ने फाइंड करी है क्या चीज सिर्फ एफ का मतलब है यहां पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या मतलब से मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यानी बहुत सारी कंपनी ने ये चीज देखी हुई है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अकेली नो लॉन्गर सेटिस्फाई बहुत टाइम तक सेटिस्फाई नहीं कर सकती किसको नीड ऑफ स्टेक होल्डर्स अबाउट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस यानी अगर आप अपनी कंपनी की ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस की बात करना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपकी एफ आर का मतलब है फाइनेंशियल रिपोर्ट सेटिस्फाई नहीं कर सकती किसको सारे के सारे स्टेक होल्डर को फॉर एग्जाम्पल आपका स्टेक होल्डर आप मैंने आपको पहले भी बताया स्टेक होल्डर कौन है जो आपकी कंपनी को अफेक्ट कर सकता है या आपसे अफेक्ट हो सकता है वो पर्सन स्टेक होल्डर है चाहे वो कस्टमर क्यों ना हो चाहे वो आपके एम्प्लॉय क्यों ना हो चाहे वो इन्वेस्टर क्यों ना हो चाहे वो गवर्नमेंट क्यों ना हो तो यानी कि सिर्फ ये लोग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नहीं चाहते फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर रिपोर्टिंग नहीं चाहते ये साथ साथ किसके ऊपर रिपोर्टिंग चाहते हैं आपने इकोनॉमी के लिए क्या काम किया आपने सोसाइटी के लिए काम क्या काम किया और आपने एनवायरनमेंट के ऊपर क्या काम किया तो इसीलिए सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग जरूरी है क्योंकि स्टेक होल्डर हमारा सेटिस्फाई नहीं है सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से और थ्रू सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग वो क्या कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट ऑन प्रोग्रेस कह रहा है देखो एक बार कह रहा है थ्रू सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट अब यहां से ये ऑन यहां से मुझे हटाना है ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट यहां तक रहेगा इसको हटाते सिर्फ इसको चेंज करते थोड़ा सा मुझे चेंज करने दो एक मिनट चलिए ये हमारा ठीक हो गया तो पहले आपने देखा काफी कंपनियों ने ये चीज नोटिस करी कि सिर्फ और सिर्फ मेरे स्टेक होल्डर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से सेटिस्फाई नहीं है वो इकोनॉमिक के ऊपर या फिर ओवरऑल परफॉर्मेंस चाहता ही चाहता है कंपनी की और थ्रू सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग वो क्या करना चाहता है कह रहा है थ्रू सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट ऑन प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑन प्रोग्रेस अगेंस्ट परफॉर्मेंस गोल नॉट ओनली फॉर इकोनॉमिक अचीवमेंट और सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक अचीवमेंट को रिपोर्ट नहीं कर रहे मैं साथ साथ बट फॉर एन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशल वेलबींग यानी आपने एन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए क्या काम किया और सोशल लाइफ से रिलेटेड सोसाइटी के लिए आपने क्या अच्छा काम किया उसके बारे में भी रिपोर्टिंग करो यानी आपने इन्वायरमेंट के लिए कुछ अच्छा काम किया हो जैसे अभी आज, आज आजकल यूट्यूब में आप एक एडवर्टीजमेंट देते हो गए महिंद्रा एंड महिंद्रा का ये एक ऐसी कंपनी है जिसने आ, कुछ सालों के अंदर सबसे ज्यादा प्लांटेशन करी है ट्रीज की सबसे बढ़िया कंपनी जिसने एनवायरमेंट के बारे में सोचा है इसने सबसे ज्यादा प्लांटेशन करी है और इनका लेटेस्ट एड अगर आप देखना चाहो तो यूट्यूब पर जाकर जा सकते हो महिंद्रा एंड महिंद्रा सस्टेनेबिलिटी या एनवायरमेंटल रिलेशन तो देखने को मिलेगा कि इन्होंने सबसे ज्यादा ट्रीज की प्लांटेशन करी हुई है आज ही मैं यूट्यूब पे देख रहा था तो वहां पे मुझे एक ऐड मिला था महिंद्रा एंड महिंद्रा का और उसमें यही बताया जा रहा था कि हम क्या कर रहे हैं एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए महिंदा ग्रुप सबसे आगे है यानी वो सबसे ज्यादा प्लांटेशन कर रहा है ट्रीज वगैरह की तो ये सस्टेनेबिलिटी है यही तो सस्टेनेबिलिटी की रिपोर्टिंग चाहते हैं वो पे एडवर्टीजमेंट करके भी बता रहे हैं इससे क्या हो रहा है मेरी कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस में देख ले रहा रहे सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नहीं तीनों एस्पेक्ट्स के ऊपर रिपोर्टिंग चाहते हैं और ये काम मैं सिर्फ और सिर्फ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के थ्रू कर सकता हूं यानी आपकी इकोनॉमिक रिपोर्ट नहीं चाहिए हमें आपकी एनवायरमेंटल रिपोर्ट भी चाहिए आपकी हमें सोशल रिपोर्ट भी चाहिए आप सोसाइटी के लिए क्या काम कर रहे हो ट के लिए क्या काम कर रहे हो इसीलिए मैं सस्टेनेबिलिटी की रिपोर्टिंग को मैंडेटरी करके चल रहा हूं इसके बाद आगे बढ़ते हैं कह रहा है ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव के नाम से इसको जानते हैं ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव अब एक्चुअल में क्या है सस्टेनेबिलिटी की रिपोर्टिंग के लिए ना कोई फॉर्मेट नहीं है जैसे फॉर एग्जाम्पल टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट के लिए फॉर्म थ्री सी ए बी थ्री सी एडी ये टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट के लिए फॉर्म है कंपनीज एक्ट में पढ़ा होगा आपने डी आई आर वन डी आर आई टू ऐसी एमजीटी वन एमजीटी ट्वेल्व ये सारे फॉर्म्स डिस्क्राइब करे गए फॉर्मेट डिस्क्राइब करे गए लेकिन सस्टेनेबिलिटी की रिपोर्ट के लिए कोई फॉर्मेट डिस्क्राइब नहीं था तो क्या हुआ ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव नाम नाम का एक इंस्टीट्यूशन बना देखो ये ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव और इसने पता है किस चीज के बारे में बात करी इसने बात करी सस्टेनेबिलिटी की रिपोर्टिंग के बारे में कि सस्टेनेबिलिटी की रिपोर्टिंग कैसे होगी यानी इसने क्या करा बेसिकली सस्टेनेबिलिटी के लिए कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड कर दें कि आप सस्टेनेबिलिटी की रिपोर्टिंग कैसे करो

ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव ने तो एक बार और मैं डेफिनेशन इसकी बोलना चाहूं तो जी आर आई क्या है द ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव इज अ मल्टी स्टेक होल्डर प्रोसेस एंड इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है हुज मिशन इज टू डेवलप जिसका मिशन क्या है टू डेवलप एंड डिसिमिनेट टू डेवलप एंड डिसिमिनेट ग्लोबल एप्लीकेबल सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग गाइडलाइन जिसका पर्पस ही क्या है डेवलप करना का मतलब कुछ बनाना और डिसिमिनेट करने का मतलब फैलाना किसको ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग गाइडलाइन कोमेंट के लिए आपने कुछ काम करा हो या फिर आपने अपनी सोसाइटी के लिए कुछ काम करा हो इस चीज के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है हमारा जी आर आई कौन रेस्पॉन्सिबल है जी आर आई ठीक है इसके बाद अगर मैं बात करूं और यह कहता मेरे पास यानी आपको समझ में आ गया होगा कि जी क्या है एक इंस्टीट्यूशन है जिसका जिसने क्या डेवलप करे हुए जनरली एक्सेप्टेड फ्रेमवर्क डेवलप करा हुआ है किस लिए जिससे कि आप सस्टेनेबिलिटी के बारे में अपनी रिपोर्ट को प्रिपेयर कर सको या फिर दूसरी डेफिनेशन इट इज अ मल्टी स्टेक होल्डर प्रोसेस एंड इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है एक इंडिपेंडेंट संस्था है जो मिशन पे है डेवलप करने के लिए साथ में उसको फैलाने के लिए किसको ग्लोबल एप्लीकेबल सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग गाइडलाइंस जो ग्लोबली एप्लीकेबल है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग गाइडलाइन ग्लोबली एक्सेप्टेड गाइडलाइंस गाइडलाइंस है और किसके ऊपर के ऊपर के लिए आप क्या कर रहे हो एनवायरमेंट के लिए आप क्या कर रहे हो साथ में सोसाइटी के लिए आप क्या कर रहे हो यानी सोशल गाइडलाइंस सोशल के लिए भी जो भी आप कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हो उसके ऊपर कुछ गाइडलाइंस इन्होंने बताई है तो इसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूं कह रहा है जी लॉन्च जी ने जो लॉन्च करा है अपनी फोर्थ जनरेशन सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग गाइडलाइंस इन लोगों ने इशू कर दी है यानी जी ने जो रिसेंट में लॉन्च करा हुआ है वो फोर्थ जनरेशन गाइडलाइंस रिपोर्ट कर दी है यानी लॉन्च कर चुके हैं कब इन 2013, 2013 में जो जी एक इंस्टीट्यूशन है इसने अपनी फोर्थ जनरेशन सस्टेनेबिलिटी गाइडलाइंस को रिपोर्ट कर दिया है यानी कि लॉन्च कर चुके हैं ये लोग अब फोर्थ जनरेशन सस्टेनेबिलिटी की गाइडलाइंस में क्या था एक बार मैं देख लेता हूं इसको हम जी फोर सस्टेनेबिलिटी गाइडलाइंस के नाम से भी जानते हैं और जी के अंदर क्या है जी फोर इज एप्लीकेबल टू ऑल लार्ज एंड स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द वर्ल्ड और अगर मैं बात करूं गाइडलाइंस में गाइडलाइंस का मतलब क्या है बेसिकली यहाँ पे इसको गाइडलाइंस को बांटा गया है दो पार्ट्स में नंबर वन पार्ट के अंदर बांटा गया है रिपोर्टिंग प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर्स दूसरा बांटा गया इन्होंने इंप्लीमेंटेशन मैनुअल यानी रिपोर्टिंग के क्या सिद्धांत होंगे और साथ में कौन कौन से स्टैंडर्ड डिस्कलोजर्स आपने देने आपने देने का मतलब कंपनी ने कौन से स्टैंडर्ड स्टैंडर्डक्लोजर्स देने उसके बारे में बात करिए किसने जी फोर किसके ऊपर एप्लीकेबल है सारी कंपनीज के ऊपर चाहे वो बड़ी हो चाहे वो छोटी हो और कितने गाइडलाइंस को कितने पार्ट में तोड़ा गया है गाइडलाइंस को दो पार्ट में तोड़ा गया है पहले पार्ट में क्या बोला रिपोर्टिंग प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड डिस्कर रिपोर्टिंग प्रिंसिपल की बात करी और स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर की बात करी दूसरे में क्या बोला है इसने इंप्लीमेंटेशन मैनुअल की बात कर रहा है यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं जी आर आई लॉन्च द फोर्थ जनरेशन ऑफ इट्स सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग गाइडलाइंस इसने अपनी फोर्थ जनरेशन सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग गाइडलाइंस को लॉन्च करा है कब करा है 2013 के अंदर करा है और इसी को मैं जी फोर सस्टेनेबिलिटी गाइडलाइंस के नाम से भी जानता हूं और ये जो जी फोर सस्टेनेबिलिटी गाइडलाइंस हैं यानी कि इन्होंने 2013 में अपनी फोर्थ जनरेशन गाइडलाइंस को लॉन्च करा और उसी का नाम हमने क्या रख दिया नॉन एज जी फोर सस्टेनेबिलिटी गाइडलाइंस और ये सारी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है चाहे कोई कंपनी बड़ी हो चाहे कोई कंपनी छोटी हो पूरे वर्ल्ड के अंदर और इसके अंदर जी फोर सस्टेनेबिलिटी गाइडलाइंस के अंदर गाइडलाइंस को दो पार्ट में तोड़ा गया है पार्ट वन है मेरे पास रिपोर्टिंग प्रिंसिपल दूसरा है मेरे पास

तो एक बार मैं आपको जी पे फिर से आता हूं कि जी है क्या एक बार सारा देख लो कह रहा है जी आर आई इज अ मल्टी स्टेक होल्डर प्रोसेस ये एक मल्टी स्टेक होल्डर प्रोसेस है एंड इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है जिसका मिशन क्या है टू डेवलप करना डिसिमिनेट करने का मतलब फैलाना ग्लोबल एक्सेप्टेबल या ग्लोबल एप्लीकेबल सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग गाइडलाइंस गाइडलाइंस और किन फैक्टर्स के ऊपर होंगी इकोनॉमिक फैक्टर के ऊपर एनवायरमेंटल फैक्टर के ऊपर और सोशल के ऊपर उसके बाद अगर मैं बात करूं आई ने क्या करा हुआ है अपना फोर्थ जनरेशन सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग गाइडलाइंस को दो में लॉन्च कर दिया और इसको जी फोर सस्टेनेबिलिटी गाइडलाइंस के नाम से जाना जाता है और जी जो है वो सभी के ऊपर एप्लीकेबल है चाहे वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो और अगर मैं बात करूं ये जो गाइडलाइंस बात करी रही है इसके अंदर मेरे दो पार्ट्स में इसको प्रेजेंट करा गया है नंबर वन रिपोर्टिंग प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड डिस्कलोजर्स और दूसरा वाला मेरे पास क्या है इंप्लीमेंटेशन मैनुअल तो इस तरीके से मेरे पास जी आर जी फोर स्टेबिलिटी गाइडलाइंस को दो पार्ट में बांटा गया है अगर आपके पास शॉर्ट नोट आएगा तो आप इतना अगर पूरा लिख दोगे पहले इंस्टीट्यूशन वाली डेफिनेशन दे दोगे फिर आप इतना सारा बता दोगे ये जी वगैरह क्या है अगर जी के ऊपर शॉर्ट नोट आया थ्री मार्क्स का शॉर्ट नोट एक्सपेक्ट हो सकता है इसके बाद अगर मैं बात करूं रिपोर्टिंग प्रिंसिपल यानी ये रिपोर्टिंग के प्रिंसिपल है वो कैसे बनाए हुए तो अगर मैं बात करूं कह रहा है फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के अंदर ट्रांसपेरेंसी बनी रहे इसीलिए इन्होंने क्या बनाए हुए हैं कुछ रिपोर्टिंग के प्रिंसिपल्स बनाए हुए हैं और प्रिंसिपल्स को दो पार्ट में बांटा गया है पहला प्रिंसिपल है रिपोर्ट का कंटेंट कैसा होगा यानी रिपोर्ट का कंटेंट के ऊपर कुछ प्रिंसिपल बताए गए हैं दूसरा रिपोर्ट की क्वालिटी के ऊपर कुछ प्रिंसिपल्स बताए गए यानी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग को दो पार्ट में बांटा गया है उसके रिपोर्टिंग प्रिंसिपल्स को नंबर वन रिपोर्ट का कंटेंट की बात कर रहा है नंबर टू रिपोर्ट की क्वालिटी की बात कर रहा है नंबर वन रिपोर्ट के कंटेंट की बात कर रहा है नंबर टू रिपोर्ट की क्वालिटी की बात कर रहा है तो कितने और क्या पर्पज था ट्रांसपेरेंसी बनी रहे किसके अंदर सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के अंदर इसीलिए रिपोर्टिंग प्रिंसिपल और रिपोर्टिंग प्रिंसिपल्स को दो पार्ट में तोड़ा रिपोर्टिंग कंटेंट और दूसरा क्या है मेरे पास रिपोर्ट क्वालिटी यानी रिपोर्टिंग कंटेंट की भी बात करेगा और रिपोर्ट क्वालिटी की भी बात करेगा अब हम देखते हैं ये रिपोर्ट कंटेंट क्या है और रिपोर्ट क्वालिटी क्या है इसके लिए आप एक मिनट बीच में टेबल ड्रॉ कर लोगे एक लाइन खींच लोगे रिपोर्ट कंटेंट एक तरफ आ जाएगा दूसरी तरफ मेरे पास आ जाएगा रिपोर्ट क्वालिटी अगर मैं आपसे रिपोर्ट कंटेंट की बात करूं तो इसके अंदर पहला क्या है स्टेक होल्डर इंक्लूसिवनेस स्टेक होल्डर का कितना इंक्लूसिवनेस है उससे रिलेटेड क्या क्या चीज है रिपोर्ट के अंदर डाल दो सस्टेनेबिलिटी के बारे में आपने क्या किया सब कुछ यानी जो आपकी रिपोर्ट होगी वो सिर्फ और सिर्फ सस्टेनेबिलिटी के कंटेक्सट में होगी यानी आप सस्टेनेबिलिटी की रिपोर्टिंग के अंदर अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में बात नहीं करोगे सिर्फ और सिर्फ कितने फैक्टर्स पे बात करूंगा तीन सोशल इकोनॉमिक एनवायरमेंट फैक्टर के ऊपर बात करूंगा दैट इज अ सस्टेनेबिलिटी कंटेस्ट में ही आप अपनी रिपोर्ट बनाओगे यानी जो आपकी रिपोर्ट का कंटेंट होगा उसके अंदर अपने स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करना है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से रिपोर्ट बनाओ दूसरा उस रिपोर्ट को सस्टेनेबिलिटी कंटेस्ट में बनाओ सिर्फ और सिर्फ सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड बात करनी है आपने तीसरा अगर मैं बात करूं मेटरलिटी मेटरलिटी का मतलब है जो भी आपने इंपॉर्टेंट काम करा हुआ है किससे रिलेटेड चाहे एनवायरमेंट के लिए कुछ अच्छा काम करा हो सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम करा हो या फिर इकोनॉमी के लिए आपने कुछ अच्छा काम करा हो तो उसको भी किसके अंदर ले आएंगे रिपोर्ट कंटेंट के और आपकी रिपोर्ट क्या इंटरनेट पे अवेलेबल करा दी या पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट कर दी या अपने स्टेक होल्डर्स को अवेलेबल करा दी आपकी रिपोर्ट कंप्लीट भी होनी चाहिए तो देखो सबसे पहले रिपोर्ट के कंटेंट में क्या है आप अपने स्टेक होल्डर को इंक्लूसिव करो उनको साथ में लेके चलो सिर्फ और सिर्फ सस्टेनेबिलिटी कंटेस्ट में ही होनी चाहिए दूसरा मेटरिटी का क्या मतलब है मेटरिटी का मतलब होता है इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंस यानी सिर्फ सिर्फ जो जो पॉइंट्स आपको के के लगते हैं, जो के लगते हैं हैं पॉइंट उनको कंसिडर करो और साथ में जो आपकी सस्टेनेबिलिटी की रिपोर्ट है वो कंप्लीट भी होनी चाहिए तो ये था मेरे पास रिपोर्ट का कंटेंट की रिपोर्ट के अंदर ये कंटेंट होना चाहिए और ये ना किसी ने बताया नहीं कि कंटेंट क्या होगा सभी लोग फॉलो करेंगे जो भी कंटेंट होगा उसके बाद में बात करता हूं दूसरा रिपोर्ट क्वालिटी पहला रिपोर्ट क्वालिटी का मतलब है बैलेंस 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 अब ये बोल रहा है 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 का का क्या मतलब मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं का मतलब है किसके बीच का बैलेंस जैसे फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट में ना एसेट्स और लाइबिलिटीज को मैं बैलेंस करता था कि एसेट्स का टोटल लाइबिलिटीज के टोटल से मैच कर जाए तो क्या बैलेंस शीट उसको नाम नहीं देता था बैलेंस शीट वो फाइनेंशियल अकाउंट्स में होती थी बैलेंस शीट उसमें हम एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को बैलेंस करते थे यहां पे मैं किसको बैलेंस करूंगा यहां पे आप जो बैलेंस करोगे वो इकोनॉमी के लिए आपने क्या किया एनवायरमेंट के लिए आपने क्या किया सोसाइटी के लिए आपने क्या किया दैट इज अ बैलेंसिंग उस चीज को बैलेंस करके चलोगे रिपोर्ट की क्वालिटी अच्छी होगी ऐसा नहीं है कि मैंने एनवायरमेंट के लिए कुछ अच्छा काम कर दिया इकोनॉमी के लिए कुछ नहीं करा सोसाइटी के लिए कुछ नहीं करा तो भी मेरी रिपोर्ट की जो क्वालिटी है वो बैड हो जाएगी आपने क्या करना है बैलेंस बना के चलना है आपने एनवायरमेंट के लिए भी कुछ अच्छा काम करना है आपने अपनी सोसाइटी के लिए भी कुछ अच्छा काम करना है आपने अपनी इकोनॉमी के लिए भी कुछ अच्छा काम करना है तो पहला पॉइंट था मेरे पास बैलेंस उसके बाद मैं दूसरा बात करता हूं

ग्रोथ कर रही है या फिर वो पीछे जा रही है यानी कुछ आगे अच्छा काम कर रही है या फिर पहले से बेकार काम कर रही है सस्टेनेबिलिटी के रिगार्डिंग तो आप उसको कंपेयर करके दिखाओ हमेशा रिपोर्ट को जैसे आपने देखा भी होगा बैलेंस शीट पी एन एल करंट ईयर प्रीवियस ईयर तो दोनों को कंपेयर करके दिखाया जाता है जिससे मैं कंपनी की परफॉर्मेंस को कंपेयर कर लेता हूं कि भाई पहले कैसी परफॉर्मेंस थी और करंट ईयर में क्या परफॉर्मेंस है दैट इज अ बैलेंसिंग एंड कंपेरेबिलिटी ये है मेरी रिपोर्ट की क्वालिटी उसके बाद में अगर और बात करूं के रिपोर्ट के अंदर सारी चीजें आप एकट शो करोगे यानी रिपोर्ट के अंदर कोई भी मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए और लास्ट में अगर मैं बात करूं टाइम से आप अपनी सस्टेनेबिलिटी की रिपोर्ट को अपडेट कर दो ऐसा नहीं है टाइम ले, ले का मतलब क्या है ज्यादा टाइम ना ले पता चला आपकी सस्टेनेबिलिटी की रिपोर्ट आई नहीं रही पूरा साल खत्म हो गया अगला साल खत्म हो गया उसके दो तीन साल बाद आप अपनी सस्टेनेबिलिटी की रिपोर्टिंग एक साथ बना रहे हो तो ऐसा भी ना हो यानी आपकी रिपोर्ट के अंदर कंटेंट क्या हो स्टेक होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने रिपोर्ट देनी है उनको इंक्लूड करके चलो सस्टेनेबिलिटी में रिपोर्ट देनी है आइटम्स उसके अंदर डालने आपने और रिपोर्ट आपकी कंप्लीट होनी चाहिए तो मेरा कंटेंट है दूसरा रिपोर्ट की क्वालिटी कब बनेगी जब तीनों फैक्टर को बैलेंस करके चलोगे और तीन फैक्टर क्या थे इकोनॉमिक एनवायरमेंट एंड सोशल कंपेयर करने का मतलब क्या है पुराने ईयर से पिछले ईयर से पास्ट ईयर से प्रीवियस ईयर से कंपेयर करो इस साल की सस्टेनेबिलिटी की रिपोर्ट को और कोई भी मिसरिप्रेजेंटेशन सस्टेनेबिलिटी की रिपोर्ट में आपने नहीं करनी यानी सिर्फ और सिर्फ आपकी रिपोर्ट के अंदर एक्यूरेसी होना बहुत जरूरी है फिर मैं बात करता हूं टाइमलीनेस का मतलब टाइम से आप सस्टेनेबिलिटी की रिपोर्टिंग अपनी अवेलेबल करा दो तो ये था मेरे पास रिपोर्ट रिपोर्ट का कंटेंट एंड रिपोर्ट क्वालिटी इन इन पॉइंट्स पे आपने रिपोर्ट की क्वालिटी और रिपोर्ट के कंटेंट को बताना है इसके बाद जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं जो मेरे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट टू थाउजेंड कह है प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड नेशन प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट यानी यूनाइटेड नेशंस ने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हुए हैं ग्लोबल कॉम्पैक्ट 2000 में क्या प्रिंसिपल्स बनाए हुए हैं मैं आपकी स्क्रीन पे एक डायग्राम लेके आ रहा हूं हो सकता है कि आपको ये डायग्राम आपकी स्क्रीन पे क्लियर ना आ रहा हो कि यहां पे इस डायग्राम के अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है तो इस डायग्राम को मैं आपको मेल भी करूंगा साथ में आपको प्रिंटेड फॉर्म में भी दे देंगे जिससे कि आपको पता चल जाए कि इस डायग्राम के अंदर एक्चुअल में लिखा हुआ क्या है ठीक है तो डायग्राम में हो सकता है आपको यहां पे कंटेंट विजुअल ना हो तो मैं इसका प्रिंट आउट आपको भेज दूंगा साथ में जहां जहां मैं चार्ट्स यूज करूंगा उनके प्रिंट आउट आपको भेज दिए जाएंगे और ई भी कर दिए जाएंगे जिसको आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हो और देख सकते हो तो इस चार्ट में पहला क्या बोल रहा है पहला प्रिंसिपल है रेस्पेक्ट करना है सपोर्ट करना है इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज ह्यूमन राइट्स इन योर एरिया ऑफ इंफ्लुएंस जहां पे आपका इंफ्लुएंस है जहां पे आप प्रभाव डाल सकते हो उन एरियाज में जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन राइट्स हैं उनकी रेस्पेक्ट करनी है आपने उन ह्यूमन राइट्स को आपने तोड़ने से रोकना है यानी सपोर्ट करो और रेस्पेक्ट करो जो इंटरनेशनली ह्यूमन राइट्स बने हुए हैं और जिस एरिया में आपका इन्फ्लुएंस है उस एरिया में उसको रेस्पेक्ट भी दो और सपोर्ट भी करना है उन ह्यूमन राइट्स को दूसरा कह रहा है अगर आपके पास ये चार्ट ना हो तो आप लिख लेना रेस्पेक्ट एंड सपोर्ट रेस्पेक्ट एंड सपोर्ट इंटरनेशनली रिकोगनाइज रेस्पेक्ट एंड सपोर्ट इंटरनेशनली रिकोगनाइज ह्यूमन राइट्स इन योर एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस रेस्पेक्ट एंड सपोर्ट इंटरनेशनली रिकोगनाइज ह्यूमन राइट्स इन योर एरिया ऑफ इंफ्लुएंस रेस्पेक्ट एंड सपोर्ट इंटरनेशनली रिकोगनाइज ह्यूमन राइट इन योर एरिया ऑफ इंफ्लुएंस यह है मेरा ग्लोबल कॉम्पैक्ट का पहला प्रिंसिपल टोटल मेरे पास टेन प्रिंसिपल है इसके ऊपर भी शॉर्ट ना जाता है वट आर द प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट 2000 2000 2000 यानी ये जो है 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 सन या ईयर में बनाए दूसरा क्या कि आपको करना आप एंश्योर करोगे कि आपकी कंपनी ह्यूमन राइट के वायलेशन में कहीं से कहीं तक भागीदार नहीं बनेगी यानी आपकी कंपनी क्या करेगी पार्टिसिपेट नहीं करेगी किसमें वायलेशन करने में किसका ह्यूमन राइट्स के वायलेशन में आपकी कंपनी पार्टिसिपेट ना करे पहला प्रिंसिपल था आपने करेंट करना है आपने सपोर्ट करना है जो रिकॉग्नाइज ह्यूमन इन योर एरिया ऑफ इंफ्लुस यानी आपके इन प्रभाव वाले एरिया में जो ह्यूमन राइट्स हैं इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज उनको रेस्पेक्ट दो उनको सपोर्ट करना आपकी ड्यूटी बनती है दूसरा आप अपनी कंपनी में इस चीज को एंश्योर करके चलो कि आपकी कंपनी का कोई भी मेंबर या आपकी कंपनी किसी भी तरीके से किसी भी ह्यूमन राइट right के वायलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो बोल रहा है इंश्योर दैट योर कंपनी इंश्योर दैट योर कंपनी दैट डज नॉट पार्टिसिपेट इन एनी वे इन द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट यानी ह्यूमन राइट के वायलेशन में किसी भी हद तक किसी भी वे में किसी भी रास्ते से पार्टिसिपेट ना करे आपकी कंपनी ठीक है ये था मेरे पास सेकंड प्रिंसिपल तो आपने कितने प्रिंसिपल देखे दोनों मेरे ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड थे तीसरा कह रहा है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड रिकॉग्नाइज टू ओपन कलेक्टिव बार्गेनिंग फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब समझ रहे हो आप अपनी ये यूनियंस हैं जो संघीय ढांचा है उसको फ्रीडम दो और साथ में कह रहा है एंड रिकॉग्नाइज टू ओपन कलेक्टिव बारगेनिंग कलेक्टिव बारगेनिंग का मतलब क्या है बेसिकली नेगोशिएशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई यानी उसको ओपनली रिकॉग्नाइज करो जो भी निगोशिएशन हो रहा है एम्प्लॉयर के बीच में या फिर एम्प्लॉय रिकॉग्नाइज करो, करो कि हाँ एम्प्लॉयर और के बीच में कुछ ना कुछ ना एम्प्लॉयोशिएशन हो सकता है और ये कब होगा इन सिचुएशन ऑफ एम्प्लॉय आपके अगेंस्ट आपके में स्ट्राइक पे बैठ जाए काम ना करें ये सिचुएशन तब तबेराइज हो सकती है फिर कह रहा है एलिमिनेट करो ऑल फॉर्म ऑफ फोर्स और कंपल्सरी लेबर यानी फोर्स का मतलब क्या है जबरदस्ती लेबर से आप काम करा रहे हो कंपल्सरी लेबर का मतलब क्या है मैंडेटरी लेबर यानी बिना बात के आपसे उनसे काम करवाया जा रहा है जबरदस्ती आप उनसे काम ले रहे हो फोर्स करवा करवा के आप उनसे काम ले रहे हो यानी वो जो बंधुआ मजदूरों का पहले हुआ करता था उसको एलिमिनेट करने का मतलब क्या है खत्म कर देना उन बंधुआ मजदूरों वाली सिचुएशन को आपने क्या करना है एलिमिनेट कर देना है फिर लास्ट में बोल रहा है खत्म करो चाइल्ड लेबर को यानी फोर्स लेबर भी नहीं होगी कंपल्सरी लेबर भी नहीं होगी और चाइल्ड लेबर भी नहीं होगी एक बार मैं आपको रिकॉल कराता हूं प्रिंसिपल पहला अपने एरिया right आपकी कंपनी करेगी रिकॉग्नाइज करो ओपन कलेक्टिव बार्गेनिंग ओपन कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब है, क्या है इट इज अगोशियेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय उन दोनों के बीच में जो निगोशिएशन है उसको रिकॉग्नाइज करो फिर एलिमिनेट कर दो फोर्स और कंपलसरी लेबर को और एलिमिनेट कर दो रिड्यूस कर दो किसको चाइल्ड लेबर के कॉन्सेप्ट को उसके बाद फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क प्लेस ऐसी सारी बातों को खत्म कर दो जो वर्क प्लेस एक भेदभाव की स्थिति को उत्पन्न करते हैं डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन किस फॉर्म में हो सकता है फॉर एग्जाम्पल डिस्क्रिमिनेशन धर्म के आधार पे हो सकता है डिस्क्रिमिनेशन जाति के आधार पे हो सकता है डिस्क्रिमिनेशन जेंडर के आधार पे हो सकता है मेल फीमेल ये सब आपने नहीं देखना यानी मैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं करूंगा या फिर डिस्क्रिमिनेशन डेजिग्नेशन के आधार पे भी हो सकता है कि मैं बड़ा हूं मेरी पोस्ट बड़ी है आप छोटे हो तो ये भेदभाव आपने कंपनी के अंदर नहीं करना है इन सारी चीजों को आप खत्म करो एलिमिनेट करो फिर कह रहे हैं एज्यूम करना है अपने रेस्पॉन्सिबल प्रिवेंटिव एंड प्रोएक्टिव पोस्टर पोस्टर का मतलब मुझे बताओगे कह रहा है एज्यूम करना है रेस्पॉन्सिबल प्रिवेंटिव प्रिवेंटिव का मतलब रोकना एंड प्रोवेक्टिव पोस्टर पोस्टर का मतलब है आसान टुवर्ड्स एनवायरमेंटल चेंजेस यानी आप पहले से ही एनवायरमेंटल चैलेंजेस के लिए तैयार रहो और एनवायरमेंटल चैलेंजेस को फैलाओ आगे आसान बनाओ पोस्टर टू प्रोवेक्टिव पोस्टर का मतलब है पहले से ही तैयार आसान टुवर्ड्स तो किसके एनवायरमेंटल चैलेंजेस उनको आसान बनाओ फिर कह रहा है डेवलप करो इनिशिएटिव एंड प्रैक्टिसेस टू प्रमोट एंड डेवलप सोशल एनवायरमेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटी अब इसका मतलब क्या कह रहा है बेसिकली आपने क्या करना है इनिशिएटिव लेना है किसका प्रमोट करने का और उसको पब्लिश करने का लोगों को बताने का कि किस तरीके से आप सोशल एंड एनवायरमेंटल रेस्पॉन्सिबल हो फिर लास्ट में कह रहा है प्रमोट करो द डेवलपमेंट एंड डेसिमिनेशन ऑफ एनवायरमेंटल रेस्पॉन्सिबल

चाहे करप्शन किसी भी फॉर्म में हो चाहे ब्राइबरी की फॉर्म में हो चाहे वो एक्सटॉर्शन की फॉर्म में हो तो देखो अगर आपने पहले भी देखा होगा इन सारी चीजों की बात हमने UNGC, OECD, और अगर मैं बात करूं एसओं एस एट थाउजेंड एस एट थाउजेंड उसमें ह्यूमन राइट लेबर राइट ये फोर्स लेबर कंपल्सरी लेबर ये सारी बातें हम पहले भी कर चुके हैं तो ये जो ग्लोबल यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट के प्रिंसिपल हैं ये वही सेम है ऑलमोस्ट बस इसको ईयर 2002 के अंदर यूनाइटेड नेशन ने ग्लोबली ग्लोबल लेवल पे लॉन्च तो कही गुम, बातें सेम कही जा रही है सेम, सेम बातों को बार बार रिपीट कराया जा रहा है एक बार मैं जल्दी से आपका क्विक रिकैप कर देता हूं सारा का सारा थोड़ा सा ज्यादा कंटेंट है इसके अंदर और मेरे पास थोड़ा सा टॉपिक भी टफ टॉपिक है ऑल मुझे नहीं पता आपको यह टॉपिक टफ लगा या आसान लगा कोशिश हम करते हैं कि हर टॉपिक को आपके लिए आसान बना दें सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग क्या है एक एक न्यू अप्रोच है और किस लिए एक ऐसी प्रोसेस जो डिस्क्लोज करेगी किसको ऑर्गेनाइजेशन की इकोनॉमिक एनवायरमेंटल एंड सोशल परफॉर्मेंस को क्यों क्योंकि तो काफी सारी कंपनी सोचती है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आज के टाइम पे अकेली काफी नहीं है सेटिस्फाई नहीं कर सकती इसी किसको नीड ऑफ स्टेक होल्डर्स को यानी अबाउट द ओवरऑल कंपनीज परफॉर्मेंस और थ्रू सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग आप क्या कर सकते हो ये काम कर सकते हो यानी सिर्फ इकोनॉमी के लिए नहीं करोगे आप अपने इन्वायरमेंट के लिए क्या कर रहे हो सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हो उसको भी आप बता सकते हो पब्लिक को इसीलिए सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग जरूरी है और इसके जो बेनिफिट है वो हम पहले भी देख चुके हैं कि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग करने के क्या बेनिफिट आपको हो सकते हैं उसके बाद मैं बात करता हूँ ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव की

2013 के अंदर और इसी को मैं किस नाम से जानता हूं नोन एज जी फोर सस्टेनेबिलिटी गाइडलाइंस यानी जी फोर सस्टेनेबिटी गाइडलाइंस के नाम से भी मैं इनको जानता हूं और G4 किसके ऊपर एप्लीकेबल है चाहे वो छोटी कंपनी हो चाहे वो बड़ी कंपनी हो और गाइडलाइंस को कितने पार्ट में तोड़ा गया है गाइडलाइंस को दो पार्ट में डिवाइड करा गया है पहला था मेरे पास रिपोर्टिंग प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर और तो दूसरा वाला क्या है मेरे पास इंप्लीमेंटेशन मैनुअल किस तरीके से आपने इंप्लीमेंट करना है उसके बाद था मेरे पास रिपोर्टिंग प्रिंसिपल रिपोर्टिंग प्रिंसिपल किस लॉन्च करेंगे जिससे आपकी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और रिपोर्टिंग प्रिंसिपल कितने थे दो चीजें इसमें बताई पहला रिपोर्ट का कंटेंट और दूसरा क्या बताया रिपोर्ट की क्वालिटी रिपोर्ट के कंटेंट में क्या क्या बातें कही गई थी स्टेक होल्डर को इंक्लूड करो सस्टेनेबिलिटी कंटेस्ट में बनानी है मेटरिटी होनी चाहिए और रिपोर्ट आपकी कंप्लीट बने क्वालिटी में क्या था बैलेंस करोगे कंपेयर करोगे एक्सी लेके आओगे और टाइम लेनेस जैसे सेम बैलेंस शीट में होता था ना मैं एसेट्स और लाइबिलिटी को बैलेंस करता था वैसे यहाँ पे मैं इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंटल याद रखना है टाइम से रिपोर्ट बनाता था यहां भी मैं टाइम से रिपोर्ट दूंगा तो सेम पॉइंट मेरे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाले रिपोर्ट की क्वालिटी में एज इट इज है बस आपको ये रिपोर्ट का कंटेंट थोड़ा सा याद करना पड़ेगा स्टेक होल्डर सस्टेनेबिलिटी कंटेस्ट में हो इंपॉर्टेंट आइटम का मतलब है मेटरिटी हो और साथ में रिपोर्ट ऑल रेस्पेक्ट्स में कंप्लीट होनी चाहिए आपकी उसके बाद जो हमने बात करी प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट अगर कुछ आपको याद हो मैंने ह्यूमन राइट right की बात करी जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है आपके एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में उनको रेस्पेक्ट दो सपोर्ट दो आपकी कंपनी ह्यूमन राइट्स के वायोलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी एलिमिनेट करना है फोर्स लेबर को कंपल्सरी लेबर को चाइल्ड लेबर को आप रिड्यूस करोगे फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन दोगे वर्क प्लेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा भेदभाव नहीं होगा आपने क्या करना है प्रोटेक्ट करना है प्रोवाइड किसके लिए इन्वायरमेंटल चैलेंजेस के लिए फिर आप प्रमोट करोगे सोशल इन्वायरमेंटल रेस्पॉसिबिलिटीज को आप डेवलप करोगे प्रमोट करोगे या फिर उसको फैलाओगे किसको एन्वायरमेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटीज टेक्नोलॉजीज को और लास्ट में आपने करप्शन के अगेंस्ट में फाइट करनी है और करप्शन चाहे किसकी फॉर्म में हो चाहे वो एक्सटॉर्शन की फॉर्म में हो चाहे वो रिश्वत वगैरह की फॉर्म में हो या फिर ब्राइब की फॉर्म में हो तो उसको आपने क्या करना है रिड्यूस करने की कोशिश करनी है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट 2000। इसके बाद जो मैं आपसे बात करता हूं अब मैं आपसे बात करूंगा सस्टेनेबिलिटी इंडाइसिस की सस्टेनेबिलिटी इंडाइसिस की और इंडाइसिस का मतलब है सस्टेनेबिलिटी के इंडेक्स जैसे आपने शेयर मार्केट के इंडेक्स अगर कभी सुने हो जैसे अगर मैं बात करूं आप एग्जीक्यूटिव में एक पेपर पढ़ के आए होंगे सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर अगर आप प्रोफेशनल में अभी अभी एंट्री ली है वहां पे एक सब्जेक्ट होता है मेरे पास सिक्योरिटीज लॉ उसके अंदर सिक्योरिटी लॉ लॉज के अंदर हमें बताया जाता है कि सिक्योरिटीज कहाँ लिस्ट हो सकती है आपने सुना भी होगा किसी भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज फॉर एग्जांपल एन बीएससी पे लिस्ट होती है तो ये मैं सुन के आता हूँ अब इन्होंने आपने ये भी सुना होगा अगर मैं शेयर में ट्रेड करता हूँ

कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे और कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस किसके ऊपर एनवायरमेंटल फैक्टर के ऊपर सोशल फैक्टर के ऊपर और इकोनॉमी के लिए यानी उधर तो मैं क्या कर रहा हूं कंपनी की पोजीशन कैसी है कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है स्टॉक मार्केट के अंदर उस वो इंडेक्सेस बता रहे हैं सेंसेक्स बता रहा है बैंक निफ्टी बता रहा है बैंकों के शेयर की क्या हालत है अगर गिर रहा है तो इसका मतलब बैंकों के शेयर की धुलाई हो रही है पिटाई हो रही है और अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब बैंकिंग के शेयर्स के अंदर मजबूती है बैंकों में कुछ अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है इसी वजह से शेयर मार्केट मजबूती के साथ खड़ा हुआ है लेकिन अगर मैं सस्टेनेबिलिटी इंडेक्सेस की बात करूं यह बताएंगे कि आपकी कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस सस्टेनेबिलिटी के रिगार्डिंग कैसी है और सस्टेनेबिलिटी के रिगार्डिंग का मतलब इकोनॉमिक सोशल एंड एनवायरमेंटल इसके रिगार्डिंग कैसी है तो इसके लिए आपके जो सिलेबस में इंडेक्स है वो है मेरे पास तीन एक क्वेश्चन यहां से भी आ जाता है पहला इंडेक्स है मेरे पास डो जोन सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स दूसरा है मेरे पास ईएसजी इंडेक्स और तीसरा है मेरे पास एस एंड पी ईएसजी इंडिया इंडेक्स अब देखो यहां पे मेरे तीन इंडेक्स आपके सामने आए हैं पहला है डो जॉन सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स ठीक है दूसरा है आपका ई एस जी इंडेक्स तीसरा है मेरे पास एस एन पी ई एस जी इंडिया इंडेक्स डो जो भी मेरे पास एक वर्ल्ड का एक वर्ल्ड का मार्केट की परफॉर्मेंस के लिए एक इंडेक्स है वर्ल्ड वाइड इंडेक्स है डो जॉन्स और उसने सस्टेनेबिलिटी के ऊपर भी इंडेक्स बना रखे हैं और इसके हर कंट्री में अपने इंडेक्स हैं डो जॉन्स के दूसरा ई एस जी का मतलब है कुछ बता सकते हो चलो अभी नहीं बात करते ई एस जी इंडेक्स क्या है फिर अगर मैं बात करूं एस एंड पी ई एस जी इंडिया इंडेक्स एस एंड पी का मतलब तो स्टैंडर्ड एंड पुअर आपने सुना होगा एस एन पी इंडेक्स करके लिखा आता है बैंक निफ्टी के आगे भी लिखा मिल जाएगा आपको यानी जो शेयर मार्केट के इंडेक्सेस पे स्टैंडर्ड एंड पुअर लिखा हुआ आता है ये आप शायद अगर आपके पेपर आपके सिलेबस में एक पेपर होगा कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस तो उसके अंदर आप ये इंडेक्सेस सेंसेक्स बीएससी एस या फिर मैं निफ्टी के बारे में बात करूं स्टॉक एक्सचेंज इन सब के बारे में आप पढ़ोगे एनएससी के बारे में पढ़ोगे वहां बीएससी के बारे में पढ़ोगे आप पढ़ के आए हो एग्जीक्यूटिव के अंदर तो आपको ऑलरेडी ये सारी चीजें पढ़ा दी जाती हैं, मेरा जो मुद्दा है वो शेयर मार्केट में जाने का नहीं है मेरा यहाँ पे मुद्दा क्या है

डोजोंस सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स की मैं आपसे बात करने जा रहा हूं तो डोजोंस सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स क्या था फर्स्ट ग्लोबल इंडेक्स ये वर्ल्ड का पहला ग्लोबल इंडेक्स था जो ट्रैक करता था किसको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ लीडिंग सस्टेनेबिलिटी ड्रिवन वर्ल्ड कंपनीज वर्ल्ड वाइड यानी डोजोंस सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स क्या था पूरे वर्ल्ड का पूरे ग्लोब का फर्स्ट ग्लोब इंडेक्स फॉर ट्रैकिंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द लीडिंग सस्टेनेबिलिटी ड्रिवन कंपनीज़ वर्ल्ड वाइड यानी जो डोज ऑन का सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स था ये वर्ल्ड का पहला इंडेक्स था जो कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को ट्रैक करता था और कौन सा जो लीडिंग सस्टेनेबिलिटी ड्रीविंग यानी जहां पे सस्टेनेबिलिटी चल रही है सस्टेनेबिलिटी पे फोकस कर रही है ऐसी लीडिंग कंपनीज के बारे में और अगर मैं और बात करूं उसके बारे में कह रहा है इसको लॉन्च करा गया है 1999 में यानी ये जो हमारा डो जॉन्स का इंडेक्स है इसको कब लॉन्च करा गया 1999 में इस डो जॉन्स के इंडेक्स को लॉन्च करा गया है और अगर मैं इसके अंदर बात करूं कितनी कंपनीज हैं मोर देन थ्री हंड्रेड कंपनीज यानी 300 से ज्यादा कंपनीज इस इंडेक्स के अंदर ली गई हैं अब देखो अगर मैं बात करूं 300 से ज्यादा कंपनी अगर मैं बात करूं इंडेक्स ऊपर नीचे हो रहा है तो कैसे ऊपर नीचे होगा उन कंपनीज के अंदर कुछ हलचल हो रही होगी उन कंपनीज की परफॉर्मेंस की वजह से जैसे आप देखते हो आज सेंसेक्स इतने अंकों से टूटा सेंसेक्स ने बढ़त बनाई ओपनिंग बेल पे तेजी के साथ खुला शेयर मार्केट में तेजी तो कहीं ना कहीं कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी होती है कहीं ना कहीं कोई रिजल्ट अच्छे आ रहे होते हैं इसीलिए वो सेंसेक्स का रेट ऊपर चला जाता है क्योंकि सेंसेक्स के अंदर भी कुछ कंपनीज हैं सारी कंपनीज अगर अच्छा परफॉर्म करती हैं सेंसेक्स अच्छा परफॉर्म करता है निगेटिव परफॉर्म करती है सेंसेक्स निगेटिव जाता चला जाता है वैसे सेम ये पहला ग्लोबल इंडेक्स था किसकी ट्रैकिंग के लिए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द लीडिंग सस्टेनेबिलिटी ड्रिवन कंपनीज वर्ल्ड वाइड दूसरा इसको लॉन्च कब करा गया 1999 में लॉन्च करा गया और कितनी कंपनीज है इसके अंदर मोर देन 300 कंपनीज का है है कह रहा इज मोर देन 300 कंपनीज 300 से ज्यादा कंपनीज इसके अंदर कवर्ड है यानी तीन सौ ज्यादा अंदर इंक्लूड करा गया है और बोला गया है वो जो 300 से ज्यादा कंपनीज है वो रिप्रेजेंट करती है यानी

सिर्फ दस परसेंट ऑफ द लीडिंग सस्टेनेबिलिटी कंपनीज़ आउट ऑफ के वर्ल्ड इंडेक्स, इंडेक्स अलग है वर्ल्ड इंडेक्स डो जोन्स का अलग है यानी जो वर्ल्ड का डो जोन्स का इंडेक्स है जैसे हमारे इंडिया में सेंसेक्स है वैसे मेरे पास क्या है डो जोन्स का इंडेक्स है यानी जो वर्ल्ड का डो जोन्स का इंडेक्स है उसके अंदर 2500 कंपनी जो भी है बिगेस्ट 2500 कंपनी कह रहा है, उनकी टेन परसेंट ऑफ द लीडिंग सस्टेनेबिलिटी कंपनीज वो कितनी कंपनीज रिप्रेजेंट कर रही है तीन सौ कंपनीज सिर्फ और सिर्फ डो जो वर्ल्ड इंडेक्स का दस परसेंट है और वर्ल्ड इंडेक्स के अंदर कह रहा हूं अगर मैं कितनी कंपनीज के अंदर इसका दस परसेंट है पच्चीस सौ कंपनीज का दस परसेंट है ये है मेरे पास डोजॉन सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स और डोजॉन सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स ने किसके बारे में बात करा है फैक्टर की रिपोर्टिंग के बारे में बात कर रहा है पहले क्या हुआ करता था डो सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स के बारे में एक टेबल बताई जाती थी कि रेशियो वगैरह क्या होगा वो शायद हमारे सिलेबस से अब रिमूव कर दी गई है तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे कि के लिए क्या करूंगा सोसाइटी के लिए क्या करूंगा या फिर मैं बात करूं एनवायरमेंट के लिए मैं क्या कंट्रीब्यूट करूंगा तो डो जोन्स बेसिकली मैं अगर मैं बात करूं इंडेक्सेस किसकी परफॉर्मेंस किस को मेजर करेगा कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए बना हुआ है जो अगला मेरे पास है जो शायद मैंने यहां पे नहीं लिखा हुआ था एक पॉइंट ये इंडेक्स क्या किसको मेजर करेगा कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस को मेजर करेगा इस चीज को आप लिख लेना डोजोन सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स किस लिए फॉर मेजरिंग दरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी कंपनी की जैसे मार्केट की परफॉर्मेंस के लिए बैंक निफ्टी बना हुआ है ऐसे ही कंपनी अगरिटी की, की बात करूं तो उनके लिए डोज ऑन सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स बना हुआ है इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं अगला जो इंडेक्स है आपके सिलेबस में वो आने वाला है जिसका नाम है ई एस जी इंडेक्स ई से था इनवायरमेंटल सस्पेंस खत्म ऐसे था सोशल और जी से था गवर्नेंस एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस इंडेक्स देखो यानी इसने क्लियरली बोल दिया इसने इकोनॉमी की जगह यहां पे क्या चीज ले आए गवर्नेंस की बात कर रहा है कोड ऑफ कंडक्ट की बात करेगा तो देखते हैं कह रहा है फॉलोइंग आर द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर ऑफ ई एस जी इंडेक्स आर एज अंडर यानी ये जो ई एस जी इंडेक्स है ये भी कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर ही इंडेक्स है ये चीज मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है डो जोन्स भी कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए था ई एस जी भी आपका कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए है और इसके जो की इंडिकेटर्स हैं वो तीन है पहला एनवायरमेंटल दूसरा सोशल और तीसरा क्या है मेरे पास गवर्नेंस अब एनवायरमेंट में मैं किसकी बात करूंगा एनर्जी यूज वाटर यूज और अगर मैं आपसे बात करना चाहूं ग्रीन हाउस गैसेस अब देखो एनर्जी को किस तरीके से यूज करा जा रहा है क्या एनर्जी को बहुत ज्यादा यूज करा जा रहा है क्या पानी को बहुत ज्यादा यूज करा जा रहा है क्या ग्रीन हाउस गैसेज बहुत ज्यादा एमिट हो रही है एनवायरमेंट के अंदर तो ये है मेरा पास एनवायरमेंटल इंडेक्स यानी कितना एनर्जी यूज करी जा रही है कितना वाटर यूज करा जा रहा है ग्रीन हाउस में यूज नहीं करता

रिड्यूस करने की बात करते हैं और रिड्यूस करने के लिए हमने तरह तरह के इनिशिएटिव लिए भी हुए अगर मैं बात करूं इसके लिए यूनाइटेड नेशन ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हुए हैं पहले भी तो यह था मेरे पास एनवायरमेंटल के फैक्टर्स इंडिकेटर्स कि किस तरीके से एनवायरमेंट इंडेक्स के अंदर किन किन फैक्टर्स को लोग एनर्जी के रिलेटेड ले सकता हूँ वाटर से रिलेटेड ले सकता हूँ ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड ले सकता हूँ उसके बाद था मेरे पास सोशल सोशल का मतलब ही क्या है पॉवर्टी गरीबी गरीबी को हटाने की बात करो दूसरा ह्यूमन राइट right के बारे में सोचो लोगों के तीसरा अपनी कंपनी के एम्प्लॉ के बारे में सोचो यानी कि आप गरीबी को हटाने के बारे में सोचो फॉर एग्जाम्पल आपका इलेक्शन आ जाता है तो लोग क्या करते हैं गरीबी हटा देंगे इतने पैसे फ्री में दे देंगे ये फ्री दे, दे देंगे वो दे देंगे तो ये इस तरह के सारे वादे करे जाते हैं आपसे तो गरीबी हटाने के लिए हर कोई काम करना चाहता है दूसरा ह्यूमन राइट्स की बात करो तीसरा एम्प्लॉज के लिए कुछ काम करो आप तो ये है मेरे पास सोशल इंडिकेटर्स दीज आर दोशल जो सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं जो वो सोशल इंडिकेटर्स हैं यानी गरीबी हटेगी तो सोसाइटी का बेनिफिट होगा और भी अगर मैं इसमें बात करूं हंगर अगर मैं हंगर भूख भूखमरी की सिचुएशन को अगर कम करने की कोशिश करूं तो वो भी सोसाइटी के लिए तो कोई बेनिफिट हो रहा है अगर मैं बात करूं आपसे लेबर की फोर्स लेबर की कंपल्सरी लेबर की तो वो भी तो सोसाइटी का हिस्सा है इसलिए मैंने उन एम्प्लॉयज़ को भी यहाँ पे कवर कर लिया है यानी एम्प्लॉयज के साथ भी भेदभाव नहीं होगा वर्क प्लेस के ऊपर यानी एम्प्लॉयज़ का भी आपने ध्यान रख के चलना है कई एम्प्लॉयज के साथ भेदभाव तो नहीं हो रहा और अगर मैं गवर्नेंस की बात करूं आपके कोड ऑफ कंडक्ट क्या है अकाउंटेबिलिटी किस किस की है ट्रांसपेरेंसी है या नहीं है और डिस्क्लोजर आप प्रोवाइड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो यानी कि दीज आर द गवर्नेंस वाले इंडिकेटर्स कि आपकी कंपनी का कोड ऑफ कंडक्ट क्या है क्या कोड ऑफ कंडक्ट की आपकी पॉलिसीज हैं, है? मतलब है? है या नहीं है और डिस्क्लोजर्स का मतलब ही क्या है? आपको किस चीजों के डिस्क्लोजर्स मैंडेटरी देने जरूरी है आप सोशल के अंदर अगर कुछ और लिखना चाहो तो इसके अंदर लिख सकते हो पॉवर्टी लिखा हुआ ह्यूमन राइट्स लिखा हुआ है एम्प्लॉय लिखा हुआ है यहाँ पे लिख सकते हो कंपल्सरी लेबर फोर्स लेबर और लिखना चाहो लिख सकते हो चाइल्ड लेबर और अगर आप लिखना चाहो डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क प्लेस इसको भी इसके अंदर काउंट कर सकते हो हेल्थ एंड सेफ्टी की बात भी आप सोशल सोशल फैक्टर्स के अंदर कर सकते हो यानी आपको हेल्थ के बारे में भी कुछ अच्छा काम करना चाहिए सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज को भी कंसिडर करके चलना चाहिए तो मैं सारी बातें सोशल के बारे में लिख सकता हूं फिर एनवायरमेंट में हमने लिखी दिया एनर्जी वाटर ग्रीन हाउस गैसेज आप इन चीजों को क्या करो देख के यूज करो कितना वाटर यूज करा जा रहा है कितनी एनर्जी यूज करी जा रही है कितनी ज्यादा आप एनवायरमेंट के अंदर ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट कर रहे हो रिड्यूस करने की कोशिश करो आपको हैरानी होगी एक कंट्री ऐसी भी है जहां पे ग्रीन हाउस गैसेस का लेवल बहुत कम है यानी जितना रिक्वायर्ड होना चाहिए ना उससे भी कम है कुछ गैस कर सकते हो कि ऐसी कौन सी कंट्री होगी उस कंट्री का नाम है आइसलैंड आइसलैंड एक छोटा सा शहर है और इसके अंदर इस कंट्रीज के अंदर क्या है बेसिकली यहां पे इंडस्ट्रीज बहुत कम है जब इंडस्ट्रीज कम है तो ग्रीन हाउस गैसेज ज्यादा उत्सर्जित नहीं होती मतलब एमिशन नहीं होता उसका एमिट नहीं होती इन्वायरमेंट के अंदर और बाकी अगर मैं बात करूं अब मुझे कुछ गैस करोगे कि, कि हमारे इंडिया में ग्रीन हाउस गैसेस कब से ज्यादा आनी शुरू हुई होंगी आपको याद होगा आपने कभी इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी नाइनटीनटी यानी कि गवर्नमेंट की एक स्कीम थी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी उसके बाद उन्होंने इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के अंदर कुछ डेवलपमेंट किए कुछ गाइडलाइंस लेके आए उसके बाद से इंडिया के अंदर इंडस्ट्रीज की लाइन लग गई और जब इंडस्ट्रीज की लाइन लग गई तो ग्रीन हाउस गैसेज इन्वायरमेंट के अंदर जाने लगी और फिर लोगों ने क्या करा गवर्नमेंट ने मीटिंग करनी शुरू कर दी कि भाई अब ना एनवायरमेंट के अंदर ग्रीन हाउस गैसेज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है अब हमें इसको प्रोटेक्शन के लिए कुछ काम करना चाहिए तो एक बार में जाते जाते आपको लास्ट में सिर्फ लास्ट दो तीन टॉपिक एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं क्लास खत्म करने से पहले या एक बार सारा ही रिकॉल करा देता हूं आपको लास्ट से नहीं आता जल्दी से आपको क्विक रिकैप कराता हूं सारे का बहुत तेज तेज बोलेंगे सारे चीज सबसे पहले था सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग कह रहा है पार्ट ऑफ न्यू एपरेज और प्रोसेस क्या है पब्लिकली डिस्क्लोजिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक एनवाइट एंड सोशल परफॉर्मेंस क्यों क्योंकि कंपनी ये कंपनी को ये देखने को मिल रहा है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अकेली काफी नहीं है किसके लिए स्टेक होल्डर्स के लिए तो उनको क्या करना है साथ में सस्टेनेबिलिटी की रिपोर्टिंग भी करनी है और सस्टेनेबिलिटी की रिपोर्टिंग सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर को नहीं बता रही एनवायरमेंटल फैक्टर्स को भी बता रही है सोशल फैक्टर्स को भी बता रही है और अगर मैं बात करना चाहूंगा ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव एक इंस्टीट्यूशन बनाया हुआ जिस जिसने जिस मिशन पे डेवलप करने के लिए डिसिमिनेट का मतलब फैलाने के लिए ग्लोबल एप्लीकेबल सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग गाइडलाइंस और किसके ऊपर वो गाइडलाइंस है इकोनॉमिक एनवायरमेंट एंड सोशल गाइडलाइंस फिर अगर मैं बात करूं जीआरआई ने अपना फोर जनरेशन सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग गाइडलाइंस को 2013 में लॉन्च कर दिया जिसको हमने G4 फोर सिस्टनलिटी गाइडलाइंस के नाम से जाना है और ये जो G4 है ये सारी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है चाहे वो पब्लिक कंपनी हो चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो और अगर मैं इन गाइडलाइंस की बात करूं इनको दो पार्ट्स में प्रेजेंट करा गया है पहला पार्ट है मेरे पास रिपोर्टिंग प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर और दूसरा पार्ट है आपका इंप्लीमेंटेशन मैनुअल इसके बाद अगर मैं बात करूँ रिपोर्टिंग प्रिंसिपल फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग प्रिंसिप्स को दो पार्ट में तोड़ा गया है पहला प्रिंसिपल है रिपोर्टिंग का मेरे पास रिपोर्ट का कंटेंट और दूसरा क्या है आपका रिपोर्ट की क्वालिटी रिपोर्ट की कंटेंट के अंदर आप कुछ याद हो स्टेक होल्डर को इंक्लूड करो सस्टेनेबिलिटी कंटेक्ट में हो मेटरलिटी और कंप्लीट हो फिर अगर मैं बात करूं बैलेंस बनाओ जैसे एसेट्स की बात करती थी बैलेंस बनाने के लिए करंट ईयर प्रीवियस का मतलब क्या था कंपेयर करो एक्यूरेसी होनी चाहिए और टाइमली आप अपनी रिपोर्ट तैयार कर लो उसके बाद था मेरे पास प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट आपने अपने एरिया में रेस्पेक्ट करनी है सपोर्ट करना है ह्यूमन राइट को जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है आप इन्श्योर करोगी कि, कि आपकी कंपनी ह्यूमन राइट्स के वायलेशन में पार्टिसिपेट ना करे और याद करने की कोशिश करो फोर्स लेबर कम्पलसरी लेबर चाइल्ड लेबर की बात कर रहा था फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की बात कर रहा था डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क प्लेस की बात कर रहा था एनवायरमेंटल चैलेंजेस की बात कर रहा था सोशल एनवायरमेंटल रेस्पॉसिबिलिटी की बात कर रहा था और एनवायरमेंटल रेस्पॉसिबिल टेक्नोलॉजीज की बात कर रहा था करप्शन को हटाना है चाहे वो ब्राइव की फॉर्म में हो या एक्सट्रॉशन की फॉर्म में हो उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं सस्टेनेबिलिटी इंडेक्सेस की सस्टेनेबिलिटी के इंडेक्सेस कितने है? तीन आपके सिलेबस में सबसे पहला था डोजोन सस्टेनेबिलिटी दूसरा था ई तीसरा था एस एन पी एस पी का मतलब क्या है स्टैंडर्ड एंड पुअर ई इंडिया इंडेक्स पहला पहला ग्लोबल इंडेक्स था किसके लिए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द लीडिंग सस्टेनेबिलिटी ऑफिंगिटी कंपनीज को ट्रैक करने के लिए लॉन्च करा गया इसको कब 1999 को कितनी कंपनीज का कंप्राइज है इसके अंदर डो जो सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स के अंदर 300 से ज्यादा कंपनीज आती है जो रिप्रेजेंट करती है दस ऑफ द लीडिंग सस्टेनेबिलिटी कंपनीज आउट ऑफ द पच्चीस कंपनीज इन द डो जॉन्स वर्ल्ड इंडेक्स डो जोन्स का जो वर्ल्ड का इंडेक्स है उसके अंदर से जो पच्चीस कंपनी है उसके दस 300 को रिप्रेजेंट करती है इतना डिफरेंस वर्ल्ड की, की इसका। फिर अगर मैं बात मेजर करना और तीन फैक्टर क्या एनवायरमेंट था दूसरा आपके पास सोशल था तीसरा आपके पास गवर्नेंस था एनवायरमेंट के अंदर एनर्जी यूज वाटर यूज ग्रीन हाउस सोशल के लिए पॉवर्टी ह्यूमन राइट्स एम्प्लॉयज डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क कंपल्सरी लेबर फोर्स लेबर चाइल्ड लेबर हेल्थ एंड सेफ्टी वो सोसाइटी का पार्ट हो जाएगा फिर अगर मैं गवर्नेंस की बात करूँ कोड ऑफ कंडक्ट अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी डिस्कलोजर्स ये मेरा क्या है गवर्नेंस का पार्ट हो जाएगा यहाँ पे आज की क्लास हम एंड करते हैं अब नेक्स्ट क्लास में जो मेरे पास बचता है वो नेक्स्ट इंडेक्स की मैं बात कर लूंगा और इसके अंदर जाते जाते एक पॉइंट कह रहा है नोट इन्वेस्टर कंसिडर ई एस जी इंडेक्स टू एवेल्युएट कारपोरेट परफॉर्मेंस जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया इन्वेस्टर्स इस इंडेक्स को कंसिडर करके चलते हैं किसके लिए टू इवेल्युएट कॉरपोरेट परफॉर्मेंस कॉरपोरेट की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने के लिए वो लोग ई एस जी इंडेक्स को कंसिडर करके चलते हैं तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म होता है इसके बाद से हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे चलिए थैंक यू